हेलो दोस्तों, स्टेट्स कैन अप्लाई टू यूजीसी फॉर एक्सटेंशन ऑफ एग्जाम डेडलाइन। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला है। यहाँ पे कुछ स्टेट्स हैं जो कि स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का यूज करके वो ओवरराइड कर रही थी यूजीसी के रूल्स का, जिसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में। एंड यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कोई भी स्टेट कोई भी एग्जाम जो कि यूजीसी के गाइडलाइन के अगेंस्ट है नहीं कर सकता, उसको यूजीसी से गाइडलाइन लेनी होगी, सलाह लेना होगा एग्जाम डेडलाइन के लिए, कॉरेस्पॉन्डेंस कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक और पॉइंट रखा है कि पावर्स ऑफ स्टेट्स अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट डू नॉट एक्सटेंड टू प्रमोटिंग स्टूडेंट्स ऑन द सोल बेसिस ऑफ देयर इंटरनल असेसमेंट विदाउट टेकिंग एग्जाम्स। यहाँ पे मैटर उन छात्रों का है जो कि फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर में है, तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो आपके इंटरनल मार्क्स हैं या फिर असेसमेंट्स हैं उनके बेस पे आपको प्रमोशन दिया जाना सही नहीं है। यहाँ पे जजेस किवेंस ने भी यह बुलाया है कि अगर आप स्टेट मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड स्टेट गवर्नमेंट किसी भी प्रिवेंशन को आप अंजाम देना चाहते हैं लेकिन आप प्रमोशन नहीं दे सकते किसी भी स्टूडेंट को विदाउट अपेयरिंग इन फाइनल ईयर एग्जामिनेशन। इन फाइनल कल सुप्रीम कोर्ट ने जजेस ने जो पेटिशन दायर की गई थी उनको डिस्पोज कर दिया है। आप यहाँ पे देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस ने बार बार कंसर्न दिखाया है और बोला है कि यूजीसी की जो गाइडलाइंस थी जो 6 जुलाई को पब्लिश हुई थी उनको ध्यान में रखते हुए आपको एग्जाम कंडक्ट कराना होगा। एंड आप अगर कोई भी एक्सटेंशन चाहते हैं तो आप उन्हीं से कंसर्न दिखा सकते हैं। तो अब आइए देखते हैं वो क्या पॉइंट्स रहे हैं जो कि प्रेस विज्ञप्ति में 6 जुलाई 2020 को यूजीसी ने जारी किया था। इसमें वो जो पॉइंट्स थे वो ड्यू टू कोविड-19 महामारी के कारण विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं और शैक्षणिक कैलेंडरों के बारे में ये है। तो यहाँ पे जो दिशा निर्देश दिया गया है तो यहाँ पे जो मुख्य बिंदु हैं वो ऐसे हैं कि यूजीसी ने बोला है कि परीक्षा में प्रदर्शन, इन्हें उच्च संस्थानों में प्रवेश दिलाने, छात्रवृत्ति, नौकरी और सबसे बड़ी बात कि छात्रों में आत्मविश्वास और संतुष्टि की भावना को पैदा करता है और योग्यता, आजीवन विश्वसनीयता और व्यापक वैश्विक स्वीकार्यता भी सुनिश्चित करता है। यहाँ पे जो व्यापक वैश्विक स्वीकार्यता पॉइंट्स दिया गया है इसका मतलब ये है कि अगर कोई स्टूडेंट इससे जनरल प्रमोट हो जाता है लेकिन उसको उस नगाह से नहीं देखा जाएगा जैसे कि कोई सामान्य स्टूडेंट्स क्वालिफाई करके जाता है। अगला ये है कि सितंबर 2020 के अंत तक ऑफलाइन, ऑनलाइन या फिर दोनों के मिश्रित मोड से जितने भी एकेडमिक्स हैं, खासकर टर्मिनल सेमेस्टर या अंतिम वर्ष आप बोल सकते हैं, उनका एग्जाम जरूरी करा लेना चाहिए। एंड इसके अलावा जो बैकलॉग हैं, जो बैकलॉग कैंडिडेट्स हैं, उनका अनिवार्य रूप से करा लेना चाहिए। एंड अगला यह है कि अगर मान लीजिए कि आप कोई छूट जाते हैं एग्जाम देने से तो आपको तुरंत जल्दी एक मौका दिया जाएगा जिससे कि आपको कोई असुविधा या नुकसान का सामना न करना पड़े और यह केवल रोल 2019-20 के लिए रहेगा। अगर इसके अलावा कोई आपकी क्वेरी रहती है तो वो अलग से आप इससे कॉरेस्पॉन्डिंग कर सकते हैं, आप इनसे पत्राचार कर सकते हैं, बाद में जाहिर किया जाएगा। तो ये रहा सारा मामला। अब ऐसे में जितने भी यूजीसी के अंतर्गत गाइडलाइंस के हिसाब से कोर्सेस हैं उनका एग्जाम सितंबर 30 के अंदर अंदर हो जाएगा। और यहाँ पे ये भी है कि अगर कोई बात आती है एक्सटेंशन की तो हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। और जैसा भी है, थैंक्स लॉट गाइस।